मेहनत तो मैं सच बता मेहनत मैं मैंने बहुत अलग लेवल की है मैं आपको बताऊं अगस्त में कॉमनवेल्थ में सात दिन नहीं सोया सात दिन आंखें अपने आप बंद हुई थी लास्ट टाइम बात आती है इनकम की बस अब इतना बड़ा घर खरीद लिया मंथली कितना कमा लेते किसी को सोच समझ के ही आना चाहिए अगर यूट्यूब पे आ रहा है कुछ लोग अपना टाइम बर्बाद भी कर देते हैं नहीं देखो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा मैं रिश्तेदारों से थोड़ा सा सामना करना पड़ता है कि मम्मी पापा बीमार है नौकरी लग जा पढ़ता नहीं है ये तो आज पूछते हैं कितना कमाता है घर भी खरीद के दे दिया आपको। सकते थे। भी नहीं है। एक साल के अंदर, के अंदर अपना घर मतलब अचानक देखा और उसी वीडियो ने आज लाइफ बदल दी वायरल होगा पैसे हाँ। इतने कमाने लगा आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा निकला है लाइक है आपका बेटा तो बचपन में एक बात बिठा दी किसी की नौकर बनोगे तो लिमिट में कमाओगे और जब अगर खुल के उड़ोगे ना 10 बार गिरोगे लेकिन जब उड़ गए ना तो फिर आप नौकर हो गए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं भिवानी जिले के रतेरा गांव में आया हूं और यहां का एक लड़का काफी ज्यादा वायरल है आप अगर इनकी वीडियोस देखते हैं क्रिक डे के नाम से इनका एक चैनल है और YouTube से ये लाखों महीना कमाते हैं इनका घर दिखा दूं काफी गरीबी से उठा सागर नाम है इनका सागर सचदेवा के साथ फिलहाल मौजूद हो और ये घर देख लें आप जिस तरीके से इस घर से उठ कर के और पेरेंट्स की भी सिचुएशन आपको बता दूं कि दोनों इनकी माँ और इनके फादर साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं पापा को पैरालज हो रखा है और माहौल घर का ऐसा है कि फिलहाल ये घर देख सकते हैं यहाँ से उठ कर के अब ये फिलहाल अपना अच्छा घर बना रहे हैं फिलहाल बात करने वाले हैं सागर स्वागत है आपका थैंक यू सर मैं आज ये घर की सिचुएशन देख रहा हूँ यार कि एक ऐसा लड़का भी थोड़ा सा दिखा दे प्रदीप कभी सोच सकता है कि मैं भी यूट्यूब करूंगा और यूट्यूब पर इतना सक्सेस हो जाऊंगा इतना सफल हो जाऊंगा कि आज हमें आपको ढूंढना पड़ा है और लाख रुपया आप यूट्यूब से कमाते हैं महीने का सोचा कभी नहीं था क्योंकि ना बस एक एम था कि नौकरी नहीं लगनी सही बता रहा हूँ मैं मम्मी को भी मैंने बचपन में कह दिया नौकरी नहीं लगूंगा और आज तक नौकरी का एम होता है कि नौकरी लगनी है

तो सोचा तो कुछ नहीं था लेकिन आज एक साल के अंदर सवा साल के अंदर अपना घर मतलब लिया उसको बना रहा हूँ घर तो तो दिखाने वाले हैं जो घर इन्होंने खरीदा है और फिलहाल एक साल के अंदर अंदर पंद्रह लाख प्लस पैसे आप कमा चुके हैं हाँ जी है साल सवेल सवा साल में जो सरकारी नौकरी वाले चार साल में कमाता है अगर नॉर्मल तीस हजार मिलते हैं ये देखिए जिस सरकारी नौकरी के पीछे दीवानगी होती है ना आपकी फिलहाल देखिए किस तरीके से आप ये घर की सिचुएशन आप देख लें और आज इन्होंने यूट्यूब की बदौलत बदल दिया है पूरा सिचुएशन इस घर का फिलहाल बात मैंने घर में देखर, देखा तो टीवी आप दिखा दें थोड़ा लाइट नहीं लगाई है ये थोड़ा सा यहाँ पे पड़ा था वो किसी को दे दिया घर में इनके टीवी नहीं है क्रिकेट की पता नहीं कहाँ से वीडियो देखते थे और ये टीवी भी ऐसा ही है और फिलहाल क्रिकेट की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होती है दिख रहा होगा ये बड़ा तोहफा होता है हमारा भी आया था मुझे और, अभी ली 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 है। है मैंने क्रिकेट न्यूज के लिए इन्होंने एलईडी खरीदी है और फिलहाल इनकी मम्मी और इनका परिवार बड़ा खुश है तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि चौदह इंच से आपको चवालीस इंच तक बयालीस इंच तक आते आते वक्त नहीं लगता अगर आपका जुनून और

और अपने मुंह से बताएं बर्तन साफ करना खाना बनाना मतलब खाना तो सही दोना। दोना। खाना तो मुझे नहीं बनाना था कुकिंग मेरे को बिल्कुल नहीं आता और ना अच्छा। बाकी सब काम करता था अच्छा। करते निपटाना और फिर उसके बाद वीडियो मौका मिला तो डाल दिया नहीं मौका तो पहले मैं वीडियो बनाता था घर का काम तो मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो को तो अपना टाइम देना पड़ेगा ना अब आप एक बात बताओ आपको वीडियो न्यूज़ एक घंटे पहले आप घंटे बाद तो वायरल नहीं होगा वो अच्छा ये सबसे बड़ी बात है कि अगर टाइम पे कुछ नहीं किया तो टाइम का इंतजार नहीं करते लोग आपका वेट नहीं करेंगे है, लाखों और प्ले दिख रहा है और आंटी से मैं एक बार पूछ लेता हूँ आप दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आंटी कितना खुश है बेटा लाखों को मैं तो बहुत ही खुशी हूँ मालिक ऐसे करेगी बस इनकी

वह शुरू से भी लायक था कई लोग तो ऐसे बैठ के कहते थे कि इसके पास थोड़ा पैसा ये लगा दो ना बच्चे के ऊपर तो ये बच्चा बहुत पढ़ सकता है वैसे इनके पास पैसा नहीं है फिर मेरे मन का तो थोड़ा ऐसे लगता था भाई और के बच्चे इतने पढ़ रहे हैं मेरा बेटा वो है मैं के भगवान के पे सारा था मार को तो भगवान ही करेगा जैसे इसको अच्छी बुद्धि दे मैं तो हर समय यही कहती थी भगवान को इसको अच्छी बुद्धि दे अब भी कहती हूँ हे भगवान अपने सिर पर इसकी दया दृष्टि किसी अब, की नजर ना लगे घर भी खरीद के दे दिया आपको हाँ जी बहुत खुश है हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था हम तो पेंट भी नहीं करवा सकते थे दरवाजे भी नहीं लगवाए तो ये सबसे बड़ी बात है फिलहाल वो घर दिखाएंगे और बात करते करते चलेंगे देखिए कितना छोटा सा घर है लेकिन सपने बड़े थे जुनून बड़ा था और फिलहाल घर के साथ साथ घर के हालात बदल दिए और मैं सागर सच के साथ मौजूद हूँ ये चीजें यार बड़े कॉमन होते हैं लोग देखते ही एक मिनट में कह देते हैं कि यार बड़ा ये इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं उनके घरों से गाड़ियों से कपड़ों से फिलहाल लेकिन अगर आपका जज्बा हो जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल सागर यह आपने घर खरीदा है जी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा देखिए किस तरीके से और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो देखिए कितना बड़ा घर फिलहाल इन्होंने खरीद लिया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये, ये सब टाइल वगैरह लगेंगे ना यहाँ पे सारे फर्श हो गए अच्छा और पेंट होगा सारे घर में मतलब तीन चार लाख रुपए और लगवाए ऊपर हाँ, लग हाँ। लगे अभी पाँच छह दिन हुए हैं मिस्त्री वगैरह तो फिलहाल ये बड़ी बात है आप देख और दरवाजे भी मतलब जो थोड़े वो है उनको स्टूडियो की तैयारी चलेगी आने वाले टाइम ऊपर देखिए वहाँ पर ये स्टूडियो अपना तैयार करेंगे अपने सपनों का स्टूडियो होगा और देखिए किस तरीके से सबसे सब बड़ी बात सबसे सब बड़ा इश्यू क्रिएट तो यही होता होगा कि जैसे हम एक वीडियो शूट कर रहे थे आपकी तो बाहर से फेरी वाले ने आवाज़ लगाई और हमें लग रहा था कि यार अब बड़ी गड़बड़ होगी तो तब आप वॉइस ओवर कर रहे हैं कि बाहर से आया ये ले लो वो ले लो या पोपी पोपी कोई कुछ भी आ गया यार देखो मेरा दो मिनट का वीडियो होता है अगर ऐसा कोई आ जाता है ना मैं अपनी आवाज को और तेज कर लेता उसकी आवाज हो पता ही ना और नहीं पता चलती भी चल रहा है आने देंगे इतना खुद के साथ कॉन्फिडेंस देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये यूट्यूब से हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं और यूट्यूब से सिस्टम बदल दिया देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब मार्वल लगेगा टाइल्स लगेंगी तो माहौल

मैं अपने बेटे को नहीं किया लेकिन दोस्तों में नहीं किया आठ दस दोस्तों ने किया और उन्होंने अर्न किया कुछ लेकिन मेरे लेवल पे नहीं है अभी वो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे अच्छा लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि हर किसी को सोच समझ के ही आना चाहिए अगर YouTube पे आ रहा है कुछ लोग अपना टाइम बर्बाद भी कर देते नहीं देखो साल और फिर यूट्यूब पे आने के लिए ना आपको ना पूरी तरह सोचना है कि मैं ना सबसे हटके करूँ चाहे थोड़ा आप टाइम ले लें सीख के आए ऐसे नहीं है सीख के नहीं आओगे हाँ ना तो कचरे में भी कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है तो कचरे को तो कोई नहीं देखेगा ना तो आपको कंटेंट में दम रखना है और अपनी वॉइस अपनी एडिट इस पर और सबसे बेस्ट तो थमली होता है वही अच्छा होगा तभी अंदर एंट्री होगी तो फिलहाल आपको बता दो एक और वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ज्यादा जानना है या आपको यूट्यूबर बनना है फिलहाल ये कैसे करते हैं क्रिकेट की वीडियो कैसे बनाई जाती है उसके लिए फिलहाल मैंने इनका एक स्पेशली इंटरव्यू लिया है तो आप जाके देख सकते हैं लिंक दे दूंगा मेन बात आती है इनकम की बस अब उतना बड़ा घर खरीद लिया मंथली कितना कमा ले फिलहाल तो छः महीने से मैं सच बताऊँ अगस्त से। अच्छा। हाँ जी। से दो लाख महीना हाँ जी, बीच में पर एक आधी प्लस भी हो जाता है नहीं, नहीं। थी। लेकिन अब दोनों ना यही दो यही सोर्स बस अभी तो दोस्तों एक दिन स्पेशली इनके साथ मैं बात करूंगा टेलीग्राम आप बनाते हैं देखते हैं वहाँ पर मूवी सर्च करते है पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं लेकिन वहाँ से लोग पैसे कमाते हैं उन मूवीज़ के थ्रू पैसे कमाते हैं लोग वो चैनल होते हैं उनसे पैसे कमाते हैं तो वो चीज़ समझाने के लिए ताकि आप भी कमाएँ और शायद आपके घर के आसपास के लोग आपको यूं ना कहें कि ये तो बर्बाद हो जाएगा ये तो कुछ नहीं कर सकता ऐसे बहुत से ताने होते हैं जो हर किसी को सुनने पड़ते हैं शायद सागर ने भी कभी फील किया होगा लेकिन बदला है माहौल सागर क्या कहना चाहेंगे ये जो बदलाव आया है लाइफ में यूट्यूब को क्या कहना चाहेंगे यूट्यूब यूट्यूब का तो देखो भूल ही नहीं पाऊंगा कभी उस चीज़ को तो मतलब जो देखो मेहनत मैं सच बताऊं मेहनत मैंने बहुत अलग लेवल की है मैं आपको बताऊँ अगस्त में कॉमनवेल्थ में सात दिन नहीं सोया सात दिन आंखें अपने आप बंद हुई थी लास्ट टाइम पे सात दिन इसलिए नहीं सोया था आपको पता है विदेशों में कॉमनवेल्थ चलता है दिन रात चलता है वो सोया तो क्या पता क्या हो गया पीछे से सात दिन में दो अगस्त से आठ या नौ अगस्त तक सोया नहीं था सात दिन नहीं सोए तो अच्छा खासा कमाया

और मम्मी आईसीयू में थे उस टाइम और मैंने मम्मी को फोन करके कहा रात को कि आज मेरी पहली वीडियो अच्छा। तो मम्मी हो गया था। कमाल की बात। और पहली पेमेंट आपकी कितनी आई थी और दूसरी बताए दूसरी इनकम आनी थोड़ा दो लाख बानवे हजार दो लाख बानवे हजार कमाल की बात है यार पहली पेमेंट और आ, दूसरी पेमेंट गैप कितना रहा था महीने का भी नहीं पेमेंट आई मतलब नवंबर में आई थी क्योंकि अक्टूबर में वायरल हुआ था ना अब किस कंटेंट पे लोग काम कर सकते हैं लोग सोचेंगे कि जैसा चैनल बना ले पैसे कमा ले और कर रहे हैं वो, वो ये काम लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो सेम मेरा कॉपी को कर रहे हैं ना कुछ लोग देखो अगर आपको यूट्यूब पे आना और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप या तो न्यूज़ का चैनल खोलो या बॉलीवुड का खोलो क्रिकेट का लिए तो आपको नॉलेज चाहिए अच्छा सारा शुरू में तो बॉलीवुड का कंटेंट सबको बताए सलमान खान शाहरुख खान क्या करें उनकी न्यूज़ देखो वो को फोटो उठाओ उनकी डाल दो ये सबसे बेस्ट है ये तरीका जिसको कुछ भी नहीं पता यूट्यूब का मतलब क्या करूँ वो ये कर सकते हैं बॉलीवुड का चैनल खोल के और अपना वो डाले वो हर बंदा कर सकता है उसके लिए नॉलेज नहीं जाए शाहरुख खान सलमान खान सबको बताइए कौन है अच्छा मम्मी से मैं एक शादी वाला सवाल पूछ रहा था कि कैसी बहू लेके आएंगे आपने कहा ना ऐसे तो नहीं लेके आएंगे तो कैसी आपने ढूंढी है कोई लड़की नहीं, अभी तक ढूंढता तो या यूट्यूब पे होता ही ना मैं अच्छा, सच्ची बता रहा हूँ अच्छा, अभी तक नहीं ढूंढी है और एक ही मांग है ज्यादा पढ़ी लिखी चाहे चलेगी दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैंने बचपन ही सोच लिया था पता नहीं क्यों दहेज में सब कुछ आ जाता का, और दो नहीं कैसे तो लो, लोग है इस दुनिया में एक छोटी सी बेड नहीं मिला बाइक नहीं मिला और मतलब घर जिंदगी आज के टाइम ये सबसे ज्यादा मुझे हंसी आती है इस चीज पे की लोग दिमाग ही खराब है क्या दो लाख में क्या नहीं आता आप बेड एसी सब कुछ ले सकते पूरे घर का दो लाख दो लाख बड़ी चीज नहीं है अगर आप अच्छा कमाते हो रहा। तो ये तो चौबीस की स्टार्टिंग में फिर करनी पड़ेगी हालात घर के अच्छे नहीं है मैं कितना संभालू आगे आगे काम बढ़ाऊंगा तो नहीं पाएगा तेरा गाँव का लोंडा है और फिलहाल अगर कोई अपनी लड़की भेजना चाहता तो करोड़पति आपकी बेटी हो जाएगी ये कमाल की बात है फिलहाल एक दोस्त है हमारे अमित बोस नरवाना वो कई बार डालते हैं वीडियो कि उनकी शादी नहीं हो रही या शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही काफ़ी वायरल होता है उनका कंटेंट तो फिलहाल बता दूं कि ये यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी बेटी आने वाले वक्त में बहुत जल्द करोड़पति बन जाएगी एक करोड़पति की बहू बन जाएगी फिलहाल रतेरा गाँव से सागर सचदेवा के साथ में जुड़ा था और ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए लेकर के आया था उस घर से इस बड़े घर तक वो कितने गज का होगा

बी कॉम किया और उसके बाद कंप्यूटर जैसे ज्वाइन किया था वो मम्मी पापा की हालत खराब हो गई तो छोड़ दिया वो भी नहीं कंप्यूटर भी नहीं, नहीं चलाना था और लैपटॉप भी नहीं ले रखा है एडिट वगैरह के लिए सब फ़ोन से होता है मैं चलती गाड़ी में भी वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने बहुत अभी मैं लास्ट टाइम कहीं गया हुआ था चलती गाड़ी में मैंने वीडियो बनाई कई बार बनाए हैं मतलब अपना ध्यान रखते हैं ऐसे नहीं है मुझे इन्जॉय करना रहे एक दो दिन वीडियो नहीं डालूंगा कुछ नहीं होता नहीं वीडियो ज़रूरी है चाहे वहाँ का इंजॉय थोड़ा कम हो जाए लेकिन चलती गाड़ी में भी रिकॉर्ड करके वीडियो एडिट किया मैंने अभी दिमाग में ये नहीं आता कि ज्यादा कमाई हो रही है आईफोन खरीद लूँ गाड़ी खरीद लूँ शौक ही नहीं है ना गाड़ी का शौक है ना बाइक का शौक क्योंकि मैं चीज मेरे को शौक ही नहीं है सही बता रहा हूँ मैं जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है शौक नहीं है मेरे को बस ये है सबको सबका ध्यान रखना और अपना खाने पे ध्यान रखो खाना है तो हम धीरे धीरे शौक बढ़ेगा अभी घर बनाया है घर का एम था और एक दूसरा मैरिज का ये दो ही एम है अभी और पहला हो चुका है दूसरा नहीं, अपना नहीं, हो जाएगा इनके दो सपने थे और दोनों सपने यूट्यूब ने पूरे कर दिए कह सकते हैं शायद बहू भी इनको ऑनलाइन ही किसी तरीके से मिल जाए लोग बहुत सारे आज के दिन इंस्टा से फेसबुक से सोशल मीडिया नहीं मैं ज्यादा बात नहीं कर लव मैरिज पे जाएंगे नहीं

कमेंट में जरूर लिख दें इस वीडियो को शेयर करते हुए ताकि किसी की लाइफ बदल जाए और आने वाले वक्त में वो भी ऐसे ही ऐसे घर से उठ करके लखपति और करोड़पति बन जाए फिलहाल तब तक तो के लिए धन्यवाद राम राम चाहिए